सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि फ्री फायर में आज कौन सा नया टॉपअप इवेंट आया है और यहाँ पे गाइस इंक्यूबेटर पे हमें कौन सा बंडल देखने के लिए मिल सकता है, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते यहाँ पे हमारे टॉपअप इवेंट के बारे में। तो गाइस आज आप जैसे गेम ओपन करेंगे तो आपके सामने ये बुइया वाला ग्लू वॉल आ जाएगा और ये इवेंट चलने वाला है यहाँ पे 21 से 27 अक्टूबर तक, यानी कि गाइस 7 दिन ये इवेंट चलने वाला है, ठीक है। तो गाइस अगर आप चाहते हो इस पे टॉपअप कर सकते हो। यहाँ पे 100 डायमंड पे आपको बैकपैक मिल जाएगा और गाइस यहाँ पे 500 डायमंड के टॉपअप पे आपको ये ग्लू वॉल मिल जाएगा। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो इवेंट होता है ना, टॉपअप वाला इवेंट का सबसे बढ़िया चीज़ यही होता है, कुछ भी यहाँ पे अगर आपको मिल रहा है तो वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। कैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए गाइस यहाँ पे आपने 100 डायमंड का टॉप अप किया और आपको ये बैकपैक मिल गया। तो गाइस बैकपैक तो मिला, लेकिन गाइस आपका जो 100 डायमंड आपने टॉप अप किया वो आपके आईडी पे मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, बैकपैक बिल्कुल फ्री हुआ। और गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लू वॉल के बारे में, ग्लू वॉल भी सेम ही है गाइस। यहाँ पे अगर आप 500 डायमंड का टॉप अप करते तो 500 डायमंड का टॉप अप करने के बाद गाइस ये ग्लू वॉल का जो स्किन है ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बावजूद उसके 500 डायमंड मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे अगर आप चाहते हो लेना तो गाइस आपको एक भी डायमंड यहाँ पे खर्च नहीं करना पड़ेगा। सो गाइस अभी बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पे न्यू इंक्यूबेटर में कौन सा बंडल आने वाला है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये बंडल बहुत पहले आया था, जब मैं गेम शुरू में खेलना शुरू किया था 1-2 महीने, तब ये गाइस ये वाला बंडल आया था। तो गाइस अभी अगर आप चाहते हो ये वाला बंडल लेना तो बाहर के एक सर्वर पर ये वाला इवेंट आया है, यानी कि ये वाला बंडल को यहाँ पे इंक्यूबेटर पे दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कितना बंडल, कौन सा बंडल लेने के लिए आपको कितना ब्लूप्रिंट और कितना एवोल्यूशन स्टोन लेना पड़ेगा, यानी कि गाइस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इवेंट के अंदर आ चुका हूँ, देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक स्पिन का 60 डायमंड और 5 स्पिन का यहाँ पे 270 डायमंड, यहाँ पे आपको 30 डायमंड का यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, वो दिया जा रहा है, वो डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ से चलते एंटर करते, एंटर करने के बाद देखते कौन सा बंडल कितने पे मिल जाए। तो गाइस सबसे पहले जो हमारा ब्लू बंडल है इसको लेने के लिए आपको 7 एवोल्यूशन स्टोन और 3 ब्लूप्रिंट की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो गाइस अगर आप चाहते हो ये लेना तो ये वाला ले सकते हो। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा जो फीमेल का बंडल है, फीमेल के बंडल के बारे में। तो यहाँ पे फीमेल बंडल लेने के लिए भी आपको 7 एवोल्यूशन स्टोन और 3 ब्लूप्रिंट की ज़रूरत पड़ सकता है। उसके बाद गाइस बात करते हैं यहाँ पे रेड के बारे में, रेड भी हमारे यहाँ पे 5 एवोल्यूशन स्टोन और 2 ब्लूप्रिंट की ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट का जो यहाँ पे रेड का जो बंडल है फीमेल बंडल, उसके बारे में, फीमेल बंडल लेने के लिए आपको कितना यहाँ पे एवोल्यूशन स्टोन देना पड़ेगा। तो फीमेल बंडल लेने के लिए आपको यहाँ पे 5 एवोल्यूशन स्टोन और 2 ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा। अगर आपके पास होगा तो गाइस आप इसको ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट के बारे में, नेक्स्ट का जो बंडल है यहाँ पे गाइस 3 एवोल्यूशन स्टोन और 1 ब्लूप्रिंट की ज़रूरत पड़ सकता है। उसके बाद गाइस ये आपको ये वाला बंडल आपको बिल्कुल मिल जाएगा। उसके बाद गाइस अंत में जो है यह वाला ये लड़की का बंडल है गाइस, इसको आपको लेना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे भी लेने के लिए आपको 3 एवोल्यूशन स्टोन और 1 ब्लूप्रिंट की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे इस स्पिन के बारे में। तो गाइस ये वाला जो स्पिन है ये सबसे खतरनाक वाला स्पिन है गेम के अंदर, क्योंकि कई बार एक इवेंट आ जाता है कि आपको एक बार अगर आप स्पिन करोगे तो वो वाला चीज़ आपको दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो स्पिन होता है यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक चीज़ आपको मान लीजिए 10 बार स्पिन किया तो 10 बार में 5 बार आपको एक ही चीज़ मिल सकता है, हो सकता है वो कुछ भी हो, यहाँ पे बाउंटी भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस ये वाला स्पिन करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा डायमंड होना चाहिए। तो बस आप मेरे को कमेंट में बताना अगर ये पुराना बंडल इवेंट पे आ जाए तो आप लेना चाहोगे कि नहीं। तो गाइस यही था आज का छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करके दोस्तों को बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।